अच्छा लगता, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम पे दया करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि करण ना तो तुम कोई बेचारे हो और ना ही ये बीमारी इतनी सब तुम पे दया कर। अगर मुझसे पूछो तो अपने आप पे दया सिर्फ तुम करते हो करण। तुमने अपने दिमाग में इस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया कि सबसे अपने आप को दूर कर लिया। सिर्फ एक बीमारी है करण, किसी को भी हो सकती है। फाइनली करण की जो बीमारी थी वो बाहर आई गई है, तो अब जो सबसे दुखती नस है करण की, उस पर बार बार बात चल रही है, तो ऑब्वियसली करण आज थोड़ा इमोशनल हो गया। एंड वही है, नैना अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। करण को लगा था अब तो चली जाएगी, तो पता भी लग गया तो जा, बट नहीं, वो अभी भी तैयार नहीं है। वो अभी भी चाह रही है कि मुझे ठीक कर लेगी, बट मुझे पता है मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कहना बहुत आसान होता है लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो करण का वही सिचुएशन है कि तुम तो कह रही हो पॉजिटिव रहो एंड ऑल रहो, बट इट्स नॉट ईजी टू बी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ करण, बचपन से देखते आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे लोगों के साथ, कैसे लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं, या उसको बेसिकली उसको स्ट्रेस है कि उसकी प्रॉब्लम किसी और को ना हो जाए, इसलिए किसी को छू नहीं पाता। मन उसका भी करता है कि अपनी माँ से गले मिले, अपने दादू से गले मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो नैना कह रही है पॉसिबल है, कोशिश करो, बट वही वाली बात है कि नैना भी अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिवली ट्राई कर रही है। ऑब्वियसली ऐसी पॉजिटिविटी के साथ ही शुरुआत होती है, बट करण का अपना एक है कि मैं बचपन से जो देखते आ रहा हूँ वो नहीं हो सकता। तो ये एक बेसिकली दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, जिसमें थोड़ा सा इमोशनल नैना भी हो गई, करण भी हो गया। तो हाँ, तो करण की ऐसी क्या बीमारी है जो मतलब दूसरों को छू भी नहीं सकता? ये एक स्किन एलर्जी है ऑब्वियसली, जो दिखाया भी था कि मैं अगर किसी को छूंगा या कुछ छूंगा तो शायद उसको हो जाएगा, जो नैना के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि एक नॉर्मल स्किन एलर्जी है, धूप में जाता हूँ एग्रीवेट होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन है, कुछ लगता है, कुछ घिसता है, जैसे बैम्बूज गिरे थे तो उसकी वजह से भी एलर्जी हुई थी, धूप में रहने से एलर्जी होती है, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड रहता हूँ, इतने कपड़े पहनता हूँ, इतने लोशंस लगाता हूँ ताकि यू नो मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट ना हो ये स्किन एलर्जी। तो हाँ, तो यही है कि मैं इसलिए चक्कर में लोगों को छूता नहीं हूँ कि मुझे स्ट्रेस रहता है कि किसी और को ना हो जाए मेरी एलर्जी, इसलिए मैं उनके साथ रूड बिहेवियर करता हूँ ताकि मुझसे दूरी रहे। तो करण का भी क्या फील हो रहा है कि नैना बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं है, तो भी साथ चलने को तैयार है करण? हाँ, वही प्रॉब्लम है, करण परेशान है यार, क्या है यार, कैसी लड़की है, मतलब डीट है तो जाने को तैयार ही नहीं है, बट वो मेरे भले के लिए कर रही है, तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, नैना कुछ तो करेगी। हाँ, यही होता है मेरे ख्याल से, रियल लाइफ में भी यही होता है बेसिकली। जब आपके पास कोई होता है तो आप शायद उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हो, जब वो जा रही होती है, जा रहा होता है, तो शायद आपको रिलाइज होता है अरे नहीं यार। तो नैना अभी तक मेरे को इतना भाव दे रही थी, मैंने उसको बोला दूर रह, जब वो एक्चुअली दूर रही तो मुझे रिलाइज हुआ अरे नहीं यार, कोई तो था जो मेरा ध्यान दे रहा था, तो अब मैं गया उसके पास। मैंने थोड़ा गलत भी किया उसको, झूठ बोल के मैंने कुछ ज़्यादा झूठ बोल दिया था, वो जो एक गर्लफ्रेंड का ट्रैक ले आया था रास्ते बीच में, तो हाँ काफ़ी गलत किया, तो गिल्ट तो है मेरे अंदर, और वो मुझे पता नैना बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं उसके साथ गलत क्यों करूँ, तो उसी गिल्ट में मैं उसको अब मनाने की कोशिश में हूँ। एंड फिर उसने भी कुछ ऐसा कर दिया कि मैं वापस से नाराज़ हूँ, तो यही चलते जा रहा है हमारे बीच में, बट हाँ मज़ेदार सीन्स है, मज़ा आ रहा है, नोक झोंक है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।